हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ख़राब यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने ओपन किया है और अब हम इसे AI के मदद से या फिर फोटोशॉप की मदद से कौन कौन से टूल यूज़ करके इसे हम रेस्टोर करते हैं और एक बेहतरीन फ़ोटो बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस फोटो को स्टेप बाय स्टेप रेस्टोर करेंगे। इसमें जो जो स्टेप्स हम करेंगे वो कोई भी एक स्टेप आप मिस मत करना, ठीक है, तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ़ोटो यहाँ पे ओपन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जे बटन प्रेस करेंगे फोटोशॉप में। तो जे बटन, अपना कीबोर्ड पे जे बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा हीलिंग ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी दाग धब्बे यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोटो के जितने भी दाग धब्बे ये आपको हटाना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये फोटो आप देख सकते हैं ये बहुत ही लिमिटेड फोटो है। यहाँ से कंधे से लेके और ये कंधे से लेके यहाँ तक ये फोटो, यहाँ पे एरिया हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे एक पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट की मदद से हम इस एरिया को AI की मदद से इसको फिल कर देंगे। तो ये वेबसाइट है यहाँ पे DALL.AI। तो इसको आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके आपको साइन अप करना है। साइन अप करते यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है और जो भी आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है वो प्रॉम्प्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, ऑलरेडी मैंने फ़ोटो को साइज़ बढ़ा के रख दिया है। तो यहाँ पे आप इस फोटो का हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये जो DALL.AI जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वेबसाइट है, तो इसमें मुझे इतना सारा ये जो एरिया है यहाँ पे रिकवर होके मिल गया है, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पे इसे डाउनलोड करेंगे। जैसे ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से हम इस फोटो को ओपन करेंगे और इसको फोटोशॉप में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फ़ोटो आ गया है। तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ जो अनवांटेड पोर्शन है इसको हम यहाँ पे जो हमारा जो टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसको सेलेक्ट करेंगे और इन ऑप्शन अनवांटेड पोर्शन को यहाँ से हटा देंगे। इस फोटो को आपको जो रेमिनी ऐप है उसमें आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास रेमिनी ऐप इंस्टॉल है। तो इस फोटो को मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे और जो फोटो मैंने सेव किया उस फोटो को मैं रेमिनी ऐप में लेके जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट यस करूँगा। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा ब्लू स्टैक ऐप प्लेयर है जो विंडोज़ में मैंने इंस्टॉल किया है और इसको किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए मैंने आई बटन पे एक वीडियो दिया है, वो चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेमिनी ऐप ओपन करूँगा और जो हमारा फोटो है डेस्कटॉप पे इसको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इस फोटो को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको एनहांस का बटन मिलेगा, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस AI की मदद से होने वाली है। तो यहाँ पे फोटो हमारा रिकन्स्ट्रक्ट होके यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दो तीन वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली कलर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसमें कौन से वेरिएशन है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये एक थे और ये दूसरा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये फ़ोटो जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, होम बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मीडिया मैनेजर में जाके गैलरी और गैलरी से पिक्चर और पिक्चर में इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंड टू विंडोज़ कर देंगे। हम इसे वापस से डेस्कटॉप पे करेंगे और यहाँ पे एक नाम दे देंगे रेमिनी, ठीक है। तो यहाँ पे रेमिनी नाम आ गया, इसमें ये फ़ोटो हम ऐड कर देंगे, ब्लू स्टैक प्लेयर बंद कर देंगे और यहाँ पे हम फोटोशॉप पे चलते हैं। तो अभी जो फ़ोटोज़ यहाँ पे ओपन थे ये सारे फ़ोटोज़ हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी जो हमारा एनहांस होके जो फोटो आया है उसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोटो में आप देख सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट कुछ भी नहीं है, टोटल फोटो ये फ्लैट फोटो है, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोटो को कैमरा रॉ में ओपन करते हैं। फोटो कैमरा रॉ में ओपन होने के बाद यहाँ पे बेसिक का स्लाइडर है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट देखते हैं कुछ ऐड होती है क्या, ठीक है। थोड़ी सी हाईलाइट यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है।
फिर उसके बाद शेडोज को देखते हैं, यहाँ पे वाइट्स कम कर देंगे, ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्सचर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी बढ़ाएंगे, डीहेथ को कम करेंगे, यहाँ से सैचुरेशन, वाइब्रेंस, ठीक है। और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। यहाँ तक हमने फोटो को एनहेंस कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोज की जो डिटेल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें डॉजन बन का यूज करके इसमें डिटेल्स थोड़े से ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ब्लैंक लेयर। यहाँ पे इस लेयर को हम क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ पे सॉफ्ट लाइट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम जो हमारा फोरग्राउंड बैकग्राउंड है, यहाँ पे अगर हमें डॉज टूल और डॉज चाहिए इमेज में, मतलब हाईलाइट चाहिए तो हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और शेडो चाहिए तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, इसको क्लिपिंग मास्क किया, यहाँ पे ब्लैक कलर। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे, ब्रश, और ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। अभी इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इनको इस दोनों लेयर को फ्लैटन कर देंगे, ठीक है। फ्लैटन करने के बाद इसमें जो भी डिटेल अभी बच गए उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पे वापस से हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे, फिर उसके बाद और एक ब्लैंक लेयर लेंगे, इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कलर है इसको हम यहाँ से कलर चूज करेंगे, ये मैं आपको एक डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके पास अगर कोई ओरिजिनल फोटो आता है और आपको उसको फाइनल देना है क्लाइंट को, तो आप उसमें टाइम लगा के बहुत अच्छा काम कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे खाली आपको डेमो पर्पज़ के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इनको लॉक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है। ये एक ही फाइल हो गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्किन फाइनर एक प्लगइन है, स्किन फाइनर में आप जाएंगे फोटो टूल बॉक्स और यहाँ पे स्किन फाइनर, तो इसमें और थोड़ा सा चेहरे में डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे रिसेट करेंगे, सो सारे एडजस्टमेंट सब रिसेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में ये एक मास्क आ गया है, जो ब्लैक कलर है वो हाइड है और जो हमें शो हो रहा है वो उस पर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्किन का दायरा और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्किन का दायरा यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खाली स्किन यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ट्रास ऐड करेंगे, कॉन्ट्रास को यहाँ से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे चाहिए तो ब्राइटनेस भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कलर सैचुरेशन आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे शैडोज, यहाँ पे हाईलाइट, और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज में से जो कलर है बैकग्राउंड, इसको हम एक ही सॉलिड कलर का बैकग्राउंड रखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसका लॉक हटा देंगे और यहाँ पे सॉलिड कलर लेंगे और इसको फिलहाल ओके करके इस लेयर को नीचे लेके आएंगे,
और इसको वापस से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर है जो हमें चाहिए पीछे, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे, चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये कलर हम वापस से भी चेंज कर सकते क्योंकि हमने एडजस्टमेंट लेयर ली है, ठीक है। यहाँ से हम ओके करेंगे, ये फिर उसके बाद लेयर पैनल में ये फोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम क्विक सेलेक्शन टूल लेंगे और सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम वापस से सेलेटन मास्क पे आएंगे और यहाँ पे जो दूसरा दो नंबर का जो टूल है रिफाइन एज, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिफाइन हेयर पे एक बार क्लिक करेंगे, इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तीन नंबर को, और जो एरिया यहाँ से छूट गया है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वापस से इस डबल क्लिक करेंगे इस एडजस्टमेंट लेयर को सॉलिड कलर के, और यहाँ से जो कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ओके करेंगे और अभी हम इसका स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट लेंगे, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई, तो यहाँ पे एक अलग से स्नैपशॉट आ गया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करेंगे। तो शार्पनेस ऐड करने के लिए मेरे पास एक एक्शन यहाँ पे बना के रखी है, शार्पन, ठीक है। जैसे मैं शार्पन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे शार्प इमेज को शार्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा और इन सारी लेयर्स को लॉक कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है। यहाँ पे फ्लैटन कर दूंगा। अभी हम आपको बिफोर और आफ्टर दिखा देते हैं, जो हमने सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की थी वो इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी बिफोर वाली इमेज और ये आफ्टर वाली इमेज, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी खराब फोटो को आसानी से AI की मदद से, दो तीन टूल अगर आपको उसकी जानकारी है, उसका आप नॉलेज लो, उसको सीखने के बाद बहुत खूबसूरत तरीके से आप फोटो को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।